सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल। इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पैन कार्ड का स्टेटस चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल पर सिंपली टाइप करना होगा पैन कार्ड स्टेटस, और उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक पेज खुलेगा, ओपन होगा। तो फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे हैं ये लिख के आ रहा है पैन स्टेटस, स्टेटस ट्रैक सर्च फॉर पैन 10 NSDL। तो हमें साइड भी दी है इसके नीचे, आप देख सकते हैं। तो इसी पर हमें सबसे पहले क्लिक करना है, इसी फर्स्ट वाले नंबर पर, और सेकंड में जो आ रहा है उस पर भी आप कर सकते हैं। दोनों NSDL की साइट है, लिखा हुआ है NSDL.com। तो हम फिलहाल फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम फर्स्ट पर क्लिक करेंगे ऑप्शन पर, उसके बाद हमारे सामने एक और नेक्स्ट पेज खुलेगा, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं ट्रैक योर पैन 10 एप्लीकेशन स्टेटस, ये लिखकर आ गया, और NSDL टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच। तो इसमें दो मेथड है, एक तो प्लीज सेलेक्ट अ टाइप ऑफ सर्च। सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन टाइप करना पड़ेगा कि हमने 10 के लिए अप्लाई किया या पैन के लिए। तो इसमें सिंपली हमें पेन चूज करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहे हैं एक्नोलॉजी में नंबर और नेम से, दो मेथड हैं यही चेक करने के स्टेटस को। एक एक्नोलॉजमेंट नंबर से भी कर सकते हैं आप अगर आपके पास है तो, और नेम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन टाइप में पेन न्यू चेंज रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेम से करते हैं इसको चेक कि हमारा स्टेटस कहाँ पर है, और हम अपना नेम इसमें सर्च कर देते हैं, जिस नेम से हमने पैन कार्ड बनाया है अपना उसी नेम को। पहले हमें लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद फर्स्ट नेम, और उसके बाद नीचे आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, DOB लिखनी है हमें अपनी। और जैसे ही हम DOB लिख लेंगे पूरी, उसके बाद हमें क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रहा है सबमिट बटन, इस पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें स्टेटस वाले पेज पर ले जाएगा। आप देख सकते हैं ये स्टेटस है, नेम भी आ गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ गया यहाँ पर, कैटेगरी इंडिविजुअल, और आप स्टेटस भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है कि वी हैव नॉट येट रिसीव्ड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू योर पेन एप्लीकेशन, काइंडली सबमिट द रिक्वेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू NSDL टू इनेबल अस टू प्रोसेस योर पेन एप्लीकेशन। यानी अभी ये बता रहा है कि इनके पास अभी रिसीव्ड नहीं हुए हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स, जो हमने डॉक्यूमेंट्स सेंड किए हैं। दूसरी वीडियो का ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि कैसे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसी पैन कार्ड का ये स्टेटस है, आप चेक कर सकते हैं, उसी पैन कार्ड का ये स्टेटस है जो ये आ रहा है। और मैंने डॉक्यूमेंट सेंड तो कर दिए, लेकिन ये जब पहुंचेंगे स्पीड पोस्ट से तो उसके बाद अपडेट हो जाएगा यहाँ पर डाटा। उसी के बाद जैसे ही अपडेट हो जाएगा तब आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ पैन कार्ड किस टाइप से अपडेट होकर आएगा। दोबारा हम एक न्यू पैन कार्ड के लिए ओपन कर लेते हैं कि इसके बाद क्या स्टेटस आएगा। रेगुलरली आपको चेक करना पड़ेगा, करीब 10 डेज के रेगुलर, मतलब चेक करना पड़ेगा 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, जब भी आप टाइम हो आप चेक कर लो। तो करीब 1 महीने बाद स्टेटस आपका या 20 दिन बाद चेंज हो जाएगा, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद जब चेंज होगा स्टेटस तो ये लिखकर आया करेगा फिर कि योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस एट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप देख सकते हैं ये स्टेटस लिखकर आएगा करीब 1 महीने बाद आपके पास, यानी आपके डॉक्यूमेंट पहुंच गए।
ये स्टेटस आएगा आपका, तो अंडर प्रोसेस में चल रहा है अब आपका पैन कार्ड। उसके बाद जैसे ही करीब इसके भी 15-20 दिन बाद एक नया स्टेटस आएगा, उसमें क्या आएगा कि पैन कार्ड बन गया है, मतलब कंप्लीट आएगा कि आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड कर दिया गया है, यानी वहाँ से NSDL से। आप देख सकते हैं मैं दूसरा पैन कार्ड अभी स्टेटस दिखा रहा हूँ आपको किस टाइप से आएगा। डेट ऑफ बर्थ हम जैसे ही एंटर करेंगे फिर सबमिट करेंगे वैसे ही, तो अभी एक पेज और खुलेगा हमारे सामने जिसमें ये दिखाएगा कि आपका पैन कार्ड सेंड हो गया यहाँ से NSDL से। देख सकते हैं आप जैसे हमने सबमिट किया इसको वैसे ही ये पेज ओपन हो गया। आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर, नेम, कैटेगरी सब कुछ दिया, योर पैन एप्लीकेशन हैज बीन डिस्पैच्ड ऑन 21 अप्रैल, ये लिख के आ रहा है। आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट, पोस्ट नंबर भी दिया होगा स्पीड पोस्ट का, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड को कि कहाँ पर आ गया, सब कुछ दिया होगा आपको। जैसे ही आपका पैन कार्ड कंप्लीट हो जाएगा जब ये पोस्ट कर देंगे, और ये पोस्ट उसी एड्रेस पर करेंगे जो आपने कम्युनिकेशन एड्रेस जब हमने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पर फिल किया था, कम्युनिकेशन एड्रेस उसी एड्रेस पर ये फॉर्म को पोस्ट कर देंगे, और ये आप देख सकते हैं पैन नंबर भी यहीं पर अलॉट कर देंगे, अलॉट हमें, तो ये सब कुछ हमें दे देंगे यहीं पर। आप देख सकते हैं कैसे रेगुलरली करीब ये पूरी कंप्लीट होने में, पैन कार्ड को पूरा डिस्पैच होने में NSDL से करीब 2 मंथ की प्रोसेस है ये पूरी, मिनिमम 1.5 या 2 मंथ तो लग जाता है इसमें, देख सकते हैं आप। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डेली वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।